नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। कल देर रात ओडिशा के बागेश्वर जिले में भीषण ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने परिजनों के सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 8455889900, 8455889906, 8455889917। इसके अलावा भी कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी नंबर पर भी कॉल करके अपने परिजनों के बारे में पूछताछ किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई से गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, जो मुंबई से गोवा के बीच लगभग 7.5 घंटे में यात्रा करेगी। इस ट्रेन से यात्रा करने पर 1 घंटे की बचत होगी। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी के तहत अपने नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने के लिए टिफिन बैठक करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज आगरा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी सांसद बृजभूषण सरन की गिरफ्तारी की मांग के समर्थन में उतरा महागठबंधन। आज बिहार की राजधानी पटना में निकाली जाएगी कैंडल मार्च। इसको लेकर राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा कि महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलने तक महागठबंधन प्रदर्शन करते रहेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर स्थित कार्यालय पर सोशल मीडिया सेल की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद डाक बंगला पर प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेश सैनी के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगे। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए राहत देते हुए कहा है कि इस दौरान वे अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है। इसके अलावा कोर्ट ने उनके मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक इस न्यूज को कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो कमेंट और लाइक जरूर कर दें। वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये न्यूज पहुंच सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज के लास्ट में कल के वीडियो में कमेंट करने वाले लोगों का नाम बताया जाता है, इसलिए आप इस न्यूज को अंत तक जरूर देखें। आज राजस्थान के बहरौर स्थित रिवाला धाम पहुंचेंगे योग गुरु बाबा रामदेव, जहां वे मंदिर के 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ में लेंगे हिस्सा। आज विश्व साइकिल दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। यातायात के प्रमुख साधनों में से साइकिल हमारे जीवन का काफी अहम हिस्सा रहा है, लेकिन आज के इस बदले हुए दौर में साइकिल की धमक धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुमला नगर परिषद आज राइड फॉर गुमला के नाम से साइकिल रैली का आयोजन कर रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचेंगे, जहां वे रोहट में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप का अवलोकन करेंगे। इसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अपराधियों के खिलाफ यूपी की बस्ती पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां गैंगस्टर हिसामुद्दीन उर्फ कक्कन का मकान किया कुर्क, लंबे समय से चल रहा था फरार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के 2 ठग देश को ठगने चले हैं, एक पीएम का सपना देख रहा है, दूसरा सीएम का। राजधानी दिल्ली के किरारी इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, जहां 6 लोग मलबे में दब गए। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती की जांच प्रक्रिया जारी है, लेकिन भर्ती को किसी भी सूरत में रद्द नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अब जेलों में बैठकर नेटवर्क नहीं चला सकेंगे कुख्यात बदमाश। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने बनाया है विशेष प्लान।
केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिला जेएमएम का साथ। सीएम हेमंत सोरेन बोले, केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए चैट बोट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक स्कूल द्वारा हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों में इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यहां नई शिक्षा नीति के हिसाब से ही शिक्षा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को कम दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में उनके बयान ऐसे लगते हैं जैसे भारत के दुश्मन के बयान हों। बॉलीवुड फिल्म स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि यदि बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 महीने में बंगाल की तस्वीर बदल देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि सभी 48 सीटों की समीक्षा की जा रही है और सीट बंटवारे की बातचीत में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को हराना प्रमुख उद्देश्य है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के बड़ोदरा में कहा कि देश में अच्छी गुणवत्ता वाले हाईवे का निर्माण हो रहा है। इन हाईवे के निर्माण से यात्रा के समय में काफी कमी आ रही है। सहरसा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बचत योजना को लेकर महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना की बैठक की गई, जहां बचत योजना प्राधिकरण ने बताया कि इससे सहरसा जिला की महिलाओं को अभिकर्ता बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है और इस योजना के इच्छुक आवेदिकाएं आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ पर कमेंट किया है और लाइक भी किया है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक कमेंट और लाइक नहीं किया है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और वो उसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है, वो लोग लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। अब बारी है कल के वीडियो में कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सत्येंद्र साह, उपेंद्र सिंह, दिलीप मिश्रा, सुनील कुमार पाथीपाका, मोनू माबी गुजर, वशिष्ठ तिवारी, सैलू सिंह, मेदीलाल मौर्य, अनूप शुक्ला, पुरुषोत्तम पांडे, संतोष कुमार साह, मीना देवी, संतोष भटनागर, शंभुनाथ सिंह, गुड्डू कुमार, वेणुगोपाल आर, प्रवीण कलिता, राजेंद्र पूनिया, राजीव आरवी, विपिन पात्रा, धर्मेंद्र साहू, विजय सक्सेना, साम पोरेन, धर्मेंद्र भट्ट, प्रभु राम, जय विजय सचान, ललित पाल, अशोक परमार, मिथुन कुमार, काजल कुमार गांगली, तासी नामगिल, प्रेमचंद, दीपक ठेकेदार, बलवंत सिंह गिल, सतेंद्र साह, सोमनाथ यूके, विजेंद्र साह, वानु सिंह चौहान, चित्रंजन शर्मा, आरती रॉय, अशोक आर्या, कमल साहू, अशोक कुमार, विजेंद्र सिंह, बंटी हजारिका, रक्षा आर्या, तेज प्रकाश, अंसारी रसीद, बाबू राजा खान, दिनेश चौहान, दीपक ठेकेदार, धर्मेंद्र सिंह, राम अवतार साफी, चंद्रजीत, सुखारी साह, सुभाष यादव, करुणा चक्रवर्ती, हरे राम, आराधना अहुजा, अयोध्या प्रसाद राठौर, रामाशंकर यादव, राजेश कुमार, कैलाश जाट, विजय बैरवा और महेश दास। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।